नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देवजी टेक्निकल चैनल में। दोस्तों, अगर आप भी वीडियो एडिटिंग करते हैं, अगर आप भी अपने स्मार्टफोन की मदद से अपने वीडियो के नीचे जो है टेक्स्ट लगाना चाहते हैं, चलता फिरता टेक्स्ट, तो कैसे लगाएंगे? जैसा कि आप मेरे वीडियो के नीचे देख रहे हैं जो टेक्स्ट जा रहा है, सेम इसी तरह से आप जो है अपने वीडियो के नीचे कैसे लगाएंगे, वो भी अपने स्मार्टफोन की मदद से। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप अपने स्मार्टफोन की मदद से बहुत ही आसानी से अपने वीडियो के नीचे चलता फिरता टेक्स्ट लगा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए, आपको इसके लिए अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन ले चलते हैं, वहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स में बताते हैं कि आप अपने फ़ोन की मदद से कैसे अपने वीडियो नीचे चलता फिरता टेक्स्ट लगाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने स्मार्टफोन की मदद से जो है अपने वीडियो के नीचे चलता फिरता टेक्स्ट लगाना चाहते हैं, जैसा कि आप मेरे वीडियो के नीचे देख रहे हैं, तो सेम उसी तरह से आप अपने स्मार्टफोन से भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से काइन मास्टर ऐप को डाउनलोड करने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बेस्ट वीडियो एडिटिंग ऐप्स है। इसकी मदद से जो है आप अपने वीडियो को काफ़ी अच्छे से जो है एडिट कर सकते हैं। तो मैंने फिलहाल जो है काइन मास्टर को यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है। मैं इसको डायरेक्ट ओपन करके आपको इसका यूज करने का तरीका बता देता हूँ कि आप कैसे अपने वीडियो के नीचे जो है चलता फिरता टेक्स्ट लगाएंगे। तो चलिए जल्दी से काइन मास्टर को ओपन करते हैं। तो दोस्तों, काइन मास्टर ऐप ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे बीच में एक प्लस का आइकन दिखाई देगा। आपको अपनी फाइल को एडिट करने के लिए, जिस भी वीडियो को एडिट करना चाहते हैं, आपको उस वीडियो को इसके अंदर लाने के लिए इस प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। तो चलिए प्लस के आइकन पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे एम्प्टी प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट असिस्टेंट का दो ऑप्शन मिल जाएगा। तो हमें जो है फिलहाल अपने प्रोजेक्ट को एडिट करना है, तो हम यहाँ पे एम्प्टी प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। तो चलिए एम्प्टी प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही हम एम्प्टी प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारा काइन मास्टर का इंटरफेस हमारे स्मार्टफोन पे ओपन हो जाएगा। अब आप जिस भी वीडियो के नीचे जो है चलता फिरता टेक्स्ट लगाना चाहते हैं, उस वीडियो को आपको यहाँ पे ले लेना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि मीडिया ब्राउजर का एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको अपनी फाइल को इसके अंदर लाने के लिए, अपने वीडियो को एडिट करने के लिए, आपको मीडिया ब्राउजर पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, मीडिया ब्राउजर पे क्लिक करते ही आपके स्मार्टफोन में जितने भी मीडिया के फोल्डर रहेंगे, जो भी आप अपनी वीडियो ऑडियो या फोटो जो भी रखे रहेंगे, वो सभी फोल्डर यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो मैं आपको एग्जांपल देने के लिए एक वीडियो को यहाँ सेलेक्ट करके उसको एडिट करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, मैंने जो है अपनी वीडियो को सिलेक्ट कर लिया और मेरी वीडियो जो है टाइम लाइन में आ चुकी है। आप देख सकते हैं कि मेरी वीडियो यहाँ पे एडिट होने के लिए टाइम लाइन में काइन मास्टर के आ चुकी है। अब मैं इस वीडियो के जो है अंदर आपको वीडियो के नीचे चलता फिरता टेक्स्ट लगाकर उसको एडिट करके बताऊँगा कि आप कैसे जो है वीडियो के अंदर चलता फिरता टेक्स्ट लगा सकते हैं। तो सिंपली आपको मीडिया फाइल को लेने के बाद यहाँ से आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मेरी वीडियो जो है एडिट होने के लिए रेडी हो चुकी है। तो मैं इसमें जो है यहाँ पे नीचे से जो है चलता फिरता टेक्स्ट लगाकर आपको इसको बताऊंगा कि आप कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले टेक्स्ट को लेने के लिए आपको यहाँ पे लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे लेयर का एक ऑप्शन मिल जाएगा। आपको यहाँ पे अपनी वीडियो के ऊपर टेक्स्ट लाने के लिए लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जो भी टेक्स्ट आप लिखना चाहते हैं, आपको टेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके वो सभी टेक्स्ट यहाँ पर लिख लेना है। तो चलिए यहाँ पर टेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, जो भी आप टेक्स्ट डालना चाहते हैं वीडियो के अंदर, वो सारे टेक्स्ट यहाँ पे लिख लेंगे। तो चलिए जल्दी से हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि मैंने यहाँ पे लिखा है प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और यहाँ से आपको टेक्स्ट लिखने के बाद ओके कर देना है। चलिए यहाँ से ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद फ्रेंड जो है आपका टेक्स्ट आपके वीडियो के ऊपर आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा टेक्स्ट जो है मेरी वीडियो के ऊपर आ चुका है। तो मैं इसको जो है नीचे कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करके आपको मूव करना है, तो ये जो है नीचे आ जाएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने अपने टेक्स्ट को जो है ब्लैक बार में ला दिया है। दोस्तों, मैं अगली वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको ये बताऊंगा कि आप अपनी वीडियो के अंदर जो है ये ब्लैक बार कैसे लाएंगे। जैसे कि सिनेमैटिक लुक में आप जो है वीडियो के अंदर ब्लैक बार देखते हैं, ऊपर नीचे आपको काली पट्टियाँ दिखाई देती हैं, वो वीडियो के अंदर कैसे लाएंगे, तो अगली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मेरा टेक्स्ट जो है मेरी वीडियो के नीचे आ चुका है, लेकिन मैं इसको प्ले करके आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो चलिए प्ले कर लेते हैं।
तो दोस्तों आपने देखा कि जो मेरी वीडियो है वो तो प्ले हो रही है, लेकिन टेक्स्ट जो है वो अपने जगह पर जो है रुका हुआ है, मतलब ये मूव नहीं कर रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप इस टेक्स्ट को कैसे चलता फिरता बना सकते हैं, मतलब मूव करता हुआ कैसे टेक्स्ट लगा सकते हैं अपनी वीडियो में, मतलब ये जो है राइट साइड से होते हुए लेफ्ट साइड या लेफ्ट साइड से होते हुए राइट साइड में कैसे इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है काइन मास्टर में इसके लिए कोई स्पेशल फीचर तो नहीं दिया गया है, लेकिन इसको एडिट करने का तरीका जो है काइन मास्टर में आपको मिल जाएगा। तो इसको एडिट करने के लिए दोस्तों आपको जो है इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ से जो है खिसकाते हुए एकदम लास्ट पॉइंट पे ले आना है। तो चलिए यहाँ पे लास्ट पॉइंट पे ले आते हैं। तो दोस्तों अपने टेक्स्ट को खिसकाते हुए आपको ऐसे पॉइंट पे रखना है जहाँ पे हल्का सा दिखाई दे, मतलब यहाँ पे क्लिक करके आप फिर इसको जो है इधर खींच सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो है टेक्स्ट हल्का सा दिखाई दे रहा है। दोस्तों अपने टेक्स्ट लेयर में चलते फिरते इफेक्ट को डालने के लिए, मतलब चलता फिरता एनिमेशन डालने के लिए आपको करना क्या है कि अपने टेक्स्ट के स्टार्ट पॉइंट में आ जाना है। आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे टेक्स्ट के लेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। तो आपको यहाँ पे एक एनिमेशन की दिखाई देगा, चाबी की तरह एक आइकन दिखाई देगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे ही आप चाबी के आइकन पे क्लिक करेंगे आपके टेक्स्ट लेयर के ऊपर जो है एक छोटा सा पॉइंट बन जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे टेक्स्ट लेयर के ऊपर जो है एक छोटा सा पॉइंट आ जाएगा जो कि आपका एनिमेशन की है। अब दोस्तों आपको अपने टेक्स्ट को चलता फिरता बनाने के लिए अपने टेक्स्ट लेयर के लास्ट पॉइंट पे आ जाना है। तो चलिए लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। तो दोस्तों टेक्स्ट के लास्ट पॉइंट पे आने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपका जो टेक्स्ट यहाँ पे हल्का सा दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं कि जो मैंने टेक्स्ट को अपने छिपाया था लास्ट में ले जाकर वो मेरा यहाँ पे हल्का सा दिखाई दे रहा है। अब आपको इसके ऊपर क्लिक करके इसको सबसे शुरू में कर देना है, मतलब आगे की तरफ ले जाते हुए इसको छिपा देना। तो चलिए यहाँ पर क्लिक करके इसको आगे की तरफ ले चलते हैं। दोस्तों इसको पूरी तरह से आपको आगे ले जाके छिपा देना है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से लास्ट से इसको उठाया और आगे ले जाकर इसको यहाँ पे छिपा दिया आगे की तरफ। तो दोस्तों इस तरह से करने के बाद अब आपको इस वीडियो को प्ले करके देख लेना है। तो चलिए मैं इस वीडियो को एक बार प्ले करके देख लेता हूँ। यहाँ से ओके कर देना है आपको। ओके करने के बाद अब आपको इस वीडियो को प्ले करके देख लेना है। तो यहाँ पर आपको स्टार्ट पॉइंट में आ जाते हैं। अब यहाँ से प्ले के बटन पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने प्ले किया आप देख सकते हैं कि मेरे वीडियो में टेक्स्ट जो है चलता फिरता आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे वीडियो के अंदर जो है मेरा टेक्स्ट जो है चलता फिरता दिख रहा है, मतलब दोस्तों ये लेफ्ट साइड से स्टार्ट होकर राइट साइड में जा रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप भी बहुत ही आसानी से अपने स्मार्टफोन की मदद से काइन मास्टर का इस्तेमाल करके अपने वीडियो के अंदर चलता फिरता टेक्स्ट डाल सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और दोस्तों अगर ये टेक्स्ट जो है आपको बहुत ही तेज़ी से भागता हुआ दिखाई दे रहा है तो आपको टेक्स्ट लेयर पर क्लिक करना है और इसकी साइज को बढ़ा देना है। जैसे आप इसकी साइज को बढ़ा देंगे इसकी जो है स्पीड भी स्लो हो जाएगी। तो चलिए यहाँ से प्ले करके आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अब मेरे जो है टेक्स्ट लेयर की जो है स्पीड काफ़ी स्लो हो चुकी है क्योंकि मैंने इसकी जो है साइज को लेंथ को बढ़ा दिया है। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप अपने एनिमेटेड टेक्स्ट की स्पीड को हाई और लो कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरा टेक्स्ट जो है काफ़ी धीमी स्पीड से जा रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप बहुत ही आसानी से काइन मास्टर का इस्तेमाल करके अपने वीडियो में एनिमेटेड टेक्स्ट मेरी तरह से डाल सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप अपने स्मार्टफोन की मदद से वीडियो नीचे कैसे चलता फिरता टेक्स्ट लगाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक देवजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में घंटा दबाकर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मेरी आने वाली अगली वीडियो को भी आप बहुत ही जल्दी देख पाए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।